तो देखो, अगर हमारे पास टू वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए की वैल्यू 2i + 3j, ये कैसे होगा? मैंने तुम्हें बोला था वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर फॉर्म में, मींस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ कैसे करते हैं, एक्स एक्स मार के चले कोई वेक्टर ये है, तो आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यू लोगे और फिर वाई के अलोंग, तो एक्स के अलोंग लेने के लिए 2i और वाई के अलोंग लेने के लिए 3j, ये मान के चलो 2 है और ये 3, और तब ये आएगा ना मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर हम इसको लिखे तो ये वेक्टर ए है बच्चों, ये वेक्टर ए, वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड और डायरेक्ट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर वेक्टर ए होता खाली ऐसे तो आप क्या लिखते, मान लो खाली 2 होता तो खाली लिख देते 2i, लेकिन वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना वाई के, ये कैसा है बीच में, तो क्या करना है, एक्स भी लेना है और वाई भी लेना है। और अगर एयर में होता थर्ड डायमेंशन में तो फिर एक्स भी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी, वाई के लॉन्ग भी और जेड भी, फिर यहाँ के भी आता, मान के चलो ये आता है प्लस के कैप। इसी तरह से वेक्टर बी है, वेक्टर बी की वैल्यू i - j, या मैं खाली कह, चलो माइनस जे अभी, इस तरह से है और प्लस 2 के, इस तरह से है। तो डॉट निकालने के लिए याद रखो एक फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, AB cos थीटा, ये तब के लिए है अगर हमें उनका मैग्नीट्यूड पता है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका मोड लेके, मोड लेके निकालते हैं ना मैग्नीट्यूड। और क्या मेथड था, जो आई का मल्टीप्लाई है, आई का जो मल्टीपल है स्क्वायर करेंगे, फिर जे के मल्टीपल को स्क्वायर करोगे, प्लस फिर के मल्टीपल, के का कितना है यहाँ पे 1, जो वैल्यू आएगी 2 2 4, 3 3 9, 13 और 1 14, ये इसका आ गया। इसी तरह से बी का निकालोगे, मोड लोगे, है ना, फिर दोनों के बीच एंगल निकालोगे। तो बड़ा लंबा मेथड है, इजी मेथड क्या होगा दोनों का, है ना, फिर दोनों के बीच का एंगल निकालोगे। कैसे निकालोगे, जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहां पे एंगल निकालने के लिए दोनों के लिए तो लाइन देखेंगे और उसके बाद एंगल निकालेंगे, वो टेन वाला फॉर्मूला लगा के, कि टेन थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। लेकिन हम सीधा करेंगे और फॉर्मूला क्या होता है, आई का मल्टीपल आई के मल्टीपल में मल्टीप्लाई, तो 2 × 1, बोले सर ये आई आई भी तो है, तुमने हमने पढ़ा है i·i कितना होता है 1, i·i कितना रहेगा 1, प्लस 3 × −1, ये माइनस 1 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 3 और यहां j का जो मल्टीपल है वो कितना है −1, तो ये आ गया 3 × −1 अंदर लेवल, प्लस के का मल्टीपल कितना है 1 और यहां पे कितना है 2, अब वैल्यू क्या आती है 2 × 2 − 3 + 2, 2 और 2 4, 3 जाएगा 1, 1 आंसर आपको मिलेगा। तो ये ए डॉट बी निकालना आपने सीखा, अब निकालेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, बड़ा इजी है फिजिक्स, ये बता रहा हूं बच्चों, साइड छोड़ देते हैं कुछ बच्चे, कुछ आर्ट्स लेते हैं, कुछ कॉमर्स लेते हैं, लेकिन फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। चलिए सर, वेक्टर बी कैसा, क्या बोल, थोड़ी देर, ठीक है, अब निकालेंगे क्रॉस। अगर यही दोनों होते और इनका हमें वेक्टर प्रोडक्ट निकालना होता तो कैसे करते, जल्दी से समझ लो बच्चों, तुम तो देर बहुत लगाते, जल्दी से। इसके लिए आपको जो मैथ्स वाले हैं वो तो समझ जाएंगे अगर उन्होंने कर लिया होगा। हमने निकालना है डिटरमिनेंट, और ये क्या होता है कि एक कॉलम टाइप में ऐसे जैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, जो हमारी वैल्यू होती है पहली लाइन में क्या करेंगे, i, j और k। देखो लिखने का मेथड क्या है इसको निकालने का, ए क्रॉस बी जब हमें निकालना है तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी
इक्वल्स टू क्या करोगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट में टू पैरेलल लाइन, उनके बीच में पहली रो में आई जे के, फिर क्या करोगे टू थ्री वन, फिर क्या करेंगे टू थ्री वन क्या है आई का मल्टीपल, जे का मल्टीपल, के का मल्टीपल। फिर नेक्स्ट दूसरा वेक्टर जो होगा आई का मल्टीपल कितना है वन, जे का मल्टीपल कितना है माइनस वन, के का कितना है टू, ये कर लेंगे। अब आगे का देखो कितना इजी है इसको, ये बड़ा इजी है, मुझे तो बड़ा मजा आता है इसको करने में। कैसे करते हैं देखो, यहां से करेंगे फिर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, कैसे करोगे, सबसे पहले हम आई के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में करोगे उसको कर लेना है, उस कॉलम को और उस रो को छिपाना है, हाइड करोगे, कर लिया। क्या दिखाई देता है, केवल थ्री माइनस वन और वन टू दिखाई देता है, तो क्या है उसको छोटा छोटी पहले लाइन थ्री माइनस वन वन टू, इसके बाद क्या करना है जे, और जे में बच्चों बस याद रखना माइनस जे लिखोगे, बाकी सबको प्लस, जे के केस में माइनस जे लिखना, ठीक है। और फिर क्या करोगे जे में ये वाला हाइड कर किया, ये किया जे में ये वाला हाइड किया, अब क्या बस दिखाई देता है टू वन वन टू, टू वन वन टू, फिर प्लस के, के लिए क्या करोगे ये वाला हाइड करोगे, ये वाला करोगे, क्या दिखाई देता है टू वन थ्री माइनस वन। अब कैसे करना है आगे, आई कैप और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डायगोनल वे में, तो थ्री टू जा सिक्स, ये डायगोनल में करोगे माइनस वन और वन, तो क्या आएगा माइनस वन और वन की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस वन, और ये माइनस साइन पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस वन, याद रखना माइनस, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे थ्री टू जा सिक्स माइनस वन, बैठ दो टाइम लगेगा, बैठो बस 10-15 मिनट की बात, थ्री टू जा सिक्स माइनस वन और वन की मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री टू जा सिक्स माइनस वन और वन की मल्टीप्लाई माइनस वन आएगा, लेकिन माइनस साइन हर बार लगाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस वन ब्रैकेट क्लोज माइनस जे टू टू जा फोर और माइनस वन, याद रखना हर बार ऐसे, बाद में इस तरह से करोगे प्लस के, फिर से टू और माइनस वन की मल्टीप्लाई माइनस टू और माइनस साइन पहले, और अब ये थ्री बन जा थ्री, अब सबको सोल्व कर दो क्या आएगा सिक्स, और ये कितना हो जाएगा प्लस वन, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, सिक्स प्लस वन माइनस जे, रूल है बच्चों ये फोर से थ्री जाएगा, फोर से बन जाएगा थ्री, ठीक, प्लस के टू और माइनस माइनस फाइव, तो आंसर क्या आ गया सेवन आई माइनस थ्री जे माइनस फाइव के, इस तरह से हमें ये आंसर मिलता है। तो आपको ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दोनों निकालने आने चाहिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखो बहुत पूछा जाता है कि फाइंड आउट द वैल्यू इफ द वेक्टर ए इज दिस एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू दिस, वो जरूरी नहीं है हर बार ये वैल्यू दे, आई जे के की टर्म में कुछ भी दे सकता है, आई जे के की टर्म में कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे टू आई प्लस थ्री जे प्लस के, और वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है आई माइनस जे प्लस टू के। ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करना है, पहले सबसे पहले आई जे के लिखेंगे फर्स्ट रो में, फिर उसके बाद जो पहले वाले की वैल्यू होगी, एक बात और याद रखना है, हाँ यहाँ पे अगर आपने ए क्रॉस बी लिखा है तो पहले ए की वैल्यू आनी चाहिए यहाँ इस लाइन में, तब बी की आनी चाहिए, अगर आपने बी की पहले लिखी तो फिर वो ए क्रॉस बी नहीं होगा बल्कि क्या आएगा बी क्रॉस ए आएगा, वो गलत होगा, उससे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है ए क्रॉस बी, ए का बी के साथ क्रॉस, बी क्रॉस ए, इसका मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन चेंज, अगर पहले अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए डाउनवर्ड, पहले आउटवर्ड है तो फिर इनवर्ड, है ना, ये समझ जाना। इसके बाद
अच्छा ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक अब अपनी बुक से प्रैक्टिस करनी है जो भी तुम्हारे पास बुक है। इसके बाद अब तुम्हारी प्रोजेक्टाइल मोशन और कल मैं तुम्हें एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना सिखाऊंगा, वो भी क्रॉस करके। अगर तुमसे एक क्रॉस भी निकालना आ गया, समझ जाओ ट्रायंगल मेथड क्या होगा। अगर मैं तुमसे पूछा जाता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालने के लिए कि वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये, तो सिर्फ आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है और उनका क्या लेना है बाद में मोड, आपका एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाता है कि किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल के बताओ, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ए क्रॉस बी करोगे और उसमें बाद में क्या कर देना है आपको, बाई टू करना है, ए क्रॉस बी बाई टू एरिया निकालने का ये मेथड है, मोड करके। मोड पहले ए क्रॉस बी निकालोगे, फिर मोड लोगे, फिर बाई टू करोगे, दैट विल Then you will get answer. Okay? अब हम आज की क्लास बंद करते हैं, इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब बच्चे बचे हैं मुस्कान, रुकिए, मुस्कान, सौम्या और मेघा, बस इन तीन बच्चों की अटेंडेंस आज, इन तीन बच्चों की अटेंडेंस नोट करूंगा बस। अनंतिका, अच्छा ठीक है, चार बच्चों की बस इनकी अटेंडेंस आज भेजना मुस्कान, बाकी को डिलीट कर देना, तब अपने घर पे आराम से नींद लेंगे।